हम दोस्तों आज एलपीआर से होली बाद आज का वीडियो डाला जा रहा है। होली तक तो छुट्टी नहीं था, इसके बाद में फिर एलपी का क्वेश्चन डाला जा रहा है। इसी तरह आप कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। अब चलिए देखें, टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। एक ट्रेन 60 मीटर प्रति मिनट की समान गति से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 3 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? मान लीजिए ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं हम कितना x, तो ये 60 मीटर 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो x प्लस 100 टोटल दूरी हो जाएगा कितने मिनट में? तो दूरी बटा 4, 60 मिनट में समय कितना हो? 3 मिनट में पार कर जाती है, तो दूरी बटा 4 इक्वल टू समय होता है, दूरी बटा 4, तो दूरी टोटल दूरी हो गया, ये आपका क्या मिल जाता है? 4 हो गया, तो ये आपका समय। यहाँ पर 1 डालकर बाई क्रॉस मल्टीपल करा दो मेरे दोस्त, तो x प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा 180, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 180 और माइनस 100 इक्वल टू 80 मीटर, x बराबर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए पर एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिए जाने पर वह एक हो जाता है, जबकि उसके हर में एक जोड़ दिए जाने पर वह 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करे। तो भिन्न के अंश में मान लो ये भिन्न बराबर आपका हो जाएगा x/y, भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है? तो इसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, मान लो कि ये भिन्न, तो मान लीजिए इसके अंश में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। आप इसे निकाल लीजिए समीकरण, x प्लस 1 बराबर वाई यानी इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 पहला इक्वेशन। दूसरा कह रहा है कि यदि उसे हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी x प्लस वाई के हर में एक जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। चलो आर पर गुणा करा लो इसको, तब 2x बराबर हो जाएगा वाई प्लस 1, वाई को इधर करो तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। समीकरण दोनों को हल करने पर आपको मिलेगा क्या? तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ आपका माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, इसको काट दो माइनस के x बराबर माइनस के 2, माइनस माइनस काट दो, x के वैल्यू आ जाएगा आपका 2। जब x का वैल्यू 2 आ गया तो समीकरण में रखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, 4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस बराबर 1, तो माइनस के वाई इक्वल टू 1 माइनस के 4, यानी आपका आ जाएगा माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 3, माइनस माइनस कैंसिल वाई बराबर 3। अब आप क्या करेंगे? भिन्न बराबर लिखेंगे, भिन्न बराबर एक्स बटा वाई यानी 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये बेसिक है, आपको ये समझ में आ जाएगा, तो स्पीड आपका हाथ में है, आप स्पीड बना लीजिएगा और आपसे सवाल लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसे 290, 460 और 552 से भाग देने पर शेष 546 बचता है। सिंपल सा बात है, 290 में से माइनस कर देंगे 5, 460 में से माइनस कर देंगे 4 और 552 में से माइनस कर देंगे 6, तो ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, आपका ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ये सबको काटने के लिए इसे इसमें पहले भाग लगा लो, HCF निकाल लो, HCF, ये सबका HCF निकालते हो तो आपको 546 में भाग करते हैं किससे? 456 से, तो 1 टाइम ले जाओ 456, तो 0 के 0 आ जाएगा, ये 14 9 5 14, आपका 6 × 12 6 × 4 10 5 × 5 ठीक है, 556 में 90 आ जाएगा, और 90 आ जाएगा तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 12 6 4 ठीक है, 552 460 ठीक है। अब 90 को आप क्या करेंगे, 456 में डिवाइड करा देंगे, तो 9 किया 27, 9 4 36, 9 5 45,
नौ पच्चे पैंतालीस, पाँच बार में 450, तो ये 6 आ जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 90 में, 15 छक्का 90, 15 आ जाएगा, ये 90। लेकिन ये आप 4, 5, 6 को घटा रहे हैं, 4, 5, 4 और 6 को घटा रहे हैं, तो 12, 10, 6, 4, 10, 5 और ये 5, 5, 4, 9 और ये 8 है, ये ठीक है, एच सी एफ तो ठीक है। अब इसमें हम इससे इसमें भाग लगा दिए, तो ये कितना बार में गया, 1 टाइम गया, जो 1 टाइम जाएगा 456 में, 1 टाइम लेकर जाएंगे तो 0, 14, 9, 5, 14, 14 और यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 90 आएगा, 9, 4, 36, 9, 5, 45, 450, 456, 6, 15, 6, 9, 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
रहा। तो आपका यहाँ पर मिसिंग था क्वेश्चन मेरे दोस्त, यहाँ 4, 5, 6 तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 4 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 6, और यहाँ पर 5 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 5। अब आप डिवाइड कीजिए 55 से, तो ये 55 आ गया, यहाँ 91 आ जाएगा, 91 आएगा तो आप यहाँ 5 वाले जाइए तो 5 के 5 हो, यहाँ 91 आ गया आपका, और यहाँ 455, तो 1 के 14 9 5 91 को आप लेकर जाइए कितना बार में, 9 5 5 से, तो 5 से ले जाइएगा, 6 से ले जाइएगा, 9 6 14 14 14 से 5 गया 9 5 14 54, फिर यहाँ 555 तो 5 बार में ले जाइए तो 9 5 45 ये आपका कट जाएगा पूरा, यानी 91 आया, 91 को इसमें डिवाइड करा दीजिए 91 से, 91 से डिवाइड कराइएगा तो 9 3 27 आपका ये कितना हो जाएगा, 9 3 27 3 से 3 कम 3 9 3 27 अब 3 के 3 बचेगा, यहाँ 13 बचेगा, 13 सबसे डिवाइड हो जाएगा तो इसमें सी एफ आपका क्या जाएगा आपका, ये 13 सबसे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 91 को भी 13 काट देगा, 63 91 ये कट गया तो आपका ये सी एफ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त 4 5 6 की जगह पर 5 4 6 हो गया था, इसलिए यहाँ पर मिसिंग हो रहा था। ओके थैंक्स।